भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं देना चाहती कि इस देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती, जैसा मेरी आदरणीय मित्र ने कहा, कि जो थोक महंगाई है वो 30 साल में सबसे अधिक क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जवाब देना चाहती या अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेगी कि खुदरा महंगाई 8 साल में सबसे ज्यादा क्यों है, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि आपका गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपया क्यों हो गया, पेट्रोल डीजल 100 को पार क्यों हो गया, खाने का तेल 150 रुपया क्यों हो गया, आटा पिछले 6 महीने में 42% क्यों बढ़ गया, सब्जी जो है वो आपकी थाली से, दाल आपकी थाली से, इस देशवासियों की थाली से क्यों गुम हो गई, तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ। तो हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और सब मुद्दों को ढांपते जाओ, ये भाजपा का मूल मंत्र बन गया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है, मुझे ये विश्वास है। राइट टू वर्शिप एक्ट 1991 हिंदुस्तान में है। भगवान श्री राम मंदिर का निर्णय जो व्यक्ति मानता है, मुझे लगता है कि उस निर्णय में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है और सब व्यक्तियों को भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करनी चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय करेगी, हमें ऐसी अपेक्षा है।